देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट विस्तार की। जी हां, आपको बता दें इस बार नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए गए हैं। कई दिग्गज नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया है तो वहीं कई नए चेहरों को इसमें शामिल भी किया गया है। इस बार ज्यादा फोकस जो है वो ओबीसी और दलित नेताओं पर किया गया है। ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और दलित नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को कैबिनेट में जगह इस बार नहीं दी गई है। इस बार 5 ऐसे नेता हैं जिनको कैबिनेट से निकाल दिया गया है, जो कि पहले कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। इस बार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी ने सभी के कार्य के आधार पर ही सभी को कैबिनेट में जगह दी है। जिन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि मोदी कैबिनेट में इस बार किसको किसको जगह नहीं मिली है और किन कारणों की वजह से मोदी कैबिनेट में इन्हें जगह नहीं दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के 43 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। ये किसी सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार है। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले ही देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिकन गवर्नर्स का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे को बड़े कारण मानते हैं। एक तो व्यवहारिक राजनीतिक मजबूरियां और दूसरा महामारी के बाद जनता को जमीनी काम दिखाने की जरूरत। मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी संख्या में मंत्रियों को शामिल करने के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोग्रामेटिज्म यानी कि राजनीतिक व्यवहारिकता है। सरकार की राजनीतिक मजबूरियां भी होती है। ये बात सही है कि पहले प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को समेटा था, कई मंत्रालय को एक किया था। इस बार भी लगता है कि ऐसा ही कोशिश किया गया है, मंत्रालय एक जगह रहे। वहीं आपको बता दे कि आपने क्या नारा दिया, क्या सिद्धांत बनाए, ये फिर आपकी नियत क्या थी, ये मायने नहीं रखता है। अंत में नतीजे ही देखे जाते हैं। जनता वोट इसी बात पर देगी कि आपने प्रदर्शन कैसा किया है। सरकार ने ये प्राथमिकता जाहिर की है कि जमीनी स्तर पर काम दिखाना चाहिए और मंत्रिमंडल विस्तार का मकसद भी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इसमें कुल 43 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें से 15 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जून में सभी मंत्रालयों की समीक्षा की थी, सभी के कामकाज का 360 डिग्री रिव्यू किया था। जानकार बताते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी ने तय किया कि किस किस मंत्री को हटाना है। सबसे पहले जानते हैं कि उन 5 बड़े मंत्रियों के बारे में जिन्हें पद से हटाया गया है। कोविड महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जाहिर है कि प्रधानमंत्री उनके काम से खुश नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की थी। वहीं आगे कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकार दिखाना चाहती है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को जो भी दिक्कतें आई हैं या नुकसान हुआ है अब नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को हटाने से सरकार पर ये सवाल भी उठेगा कि उसने महामारी के दौरान ठीक से प्रबंधन नहीं किया और लोगों की जान बचाने के नाकाम रही। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की आलोचना की बहुत परवाह नहीं है। वहीं आगे कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का मतलब है कि सरकार ने विपक्ष को आलोचना करने का मौका दे दिया है। उनको हटाते ही ये सवाल उठेगा कि सरकार कोरोना महामारी के प्रबंध में विफल रही है। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका यही है, वो विपक्ष की आलोचना की बहुत परवाह नहीं करते हैं। वहीं अदिति फडणवीस कहती हैं कि कोविड प्रबंधन का एक दौर ये था कि लोगों को
ताली थाली बजाने के लिए कहा गया। फिर एक दौर वो आया कि मोदी जी टीवी चैनल पर आकर रोने लगे और अब एक दौर ये है जब ये संकेत दिया जा रहा है कि अब रोना धोना बंद, अब काम करने का समय है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक को भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया है। नई कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्री को भी पद से हटा दिया गया है। उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत की नई शिक्षा नीति उन्हीं के कार्यकाल में लागू की गई थी। वहीं नई शिक्षा नीति लागू करने में निशंक की विफलता भी उन्हें हटाने जाने का कारण बना है। वहीं आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ट्विटर से दो दो हाथ कर रहे रविशंकर प्रसाद को भी त्याग पत्र देना पड़ा है। अदिति फडणवीस मानती हैं कि रविशंकर प्रसाद को पद से हटाने की वजह ये विवाद भी हो सकता है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके दो कारण समझ में आते हैं, एक तो पर्यावरण मंत्रालय में बहुत कुछ काम नहीं हुआ है और दूसरा प्रकाश जावड़ेकर का पार्टी के भीतर समर्थन भी कम हुआ है। वहीं आगे कहती है कि पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट देखने लगेगा कि सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 के बाद से कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 के बाद कोई काम नहीं किया है। जो भी काम नजर आता है वो 2019 तक का ही आता है। वहीं भारत के सामने इस समय कई पर्यावरण चुनौतियां हैं। दिसंबर में कैनवरा में COP26 की बैठक होनी है, उसमें पर्यावरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए जाने हैं। अदिति कहती हैं कि बावजूद इसके पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि भारत अगले साल तक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो जाएगा, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के वेबसाइट या काम को देखकर ये नहीं लग रहा है कोई इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, शायद इससे भी प्रधानमंत्री नाराज हो। वहीं संतोष गंगावार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की खुली आलोचना करने वाले संतोष गंगावार को भी पद से हटा दिया गया है। भारत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बड़ी तादाद में प्रवासियों ने बेहद मुश्किल हालात में शहरों से गांव की तरफ पलायन किया था। प्रवासी संकट की वजह से केंद्र सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था और वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांड इमेज को भी धक्का लगा था। संतोष गंगावार को हटाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। भाजपा के तीन वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं से खासा खुश नजर नहीं आ रहे थे, इस वजह से इन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। जिसके बाद जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने निशाना साधा है मोदी सरकार पर। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।